नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आप आइए इसमें। दोस्तों, लगातार नए इनिशिएटिव्स हम लोग लेके आ रहे हैं, तो आज से एक नया इनिशिएटिव चालू होगा जिसका नाम होगा डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। यूट्यूब पे आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, पर ये इनिशिएटिव अपने आप में खास है। क्यों? क्योंकि हम इसमें PIB, राज्यसभा TV, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, डायमंड और जितने भी सोर्सेज आप सोच सकते हैं करंट अफेयर्स को, सबको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर देंगे। और इससे हम लाएंगे एक मोस्ट ऑथेंटिक वे ऑफ स्टडी फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये तीन एडिटोरियल्स और तीन आर्टिकल्स जो है अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आए हैं। ये है इंडियन एक्सप्रेस का, वही हिंदू पे RIC समिट के बारे में कुछ आया था, वही एक एडिटोरियल भी आपको मिल जाएगा द हिंदू में ही, अ वे आउट अनप्रेसिडेंटेड बॉर्डर्स। तो देखिए, अब प्रीलिम्स लेवल पे इस पे जानने वाली बात क्या है कि रशिया, इंडिया, चाइना, ये RIC है क्या। इसके अलावा अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में रशिया का क्या रोल होगा, ये आपको देखना ज़रूरी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं RIC के बारे में। तो RIC में मेजर टेंशन क्या है? मेजर टेंशन ये है कि जो रिसेंट हमारा कंटेंशन चल रहा था रशिया के साथ, जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ख़रीदने को लेकर था, जिसमें कि USA ने कहा था कि हम आपके ऊपर काट सा लगा देंगे अगर आपने जो है डिफेंस सिस्टम जो है ये ख़रीदा, बट जो है इंडिया ने इस पे जो है आगे अमल करते हुए इसको लेने की बात कही थी, बट फिर भी जो इश्यूज़ हैं वो अभी भी लागू हैं। तो इसके बाद देखिए, इंडिया के जो कुछ डिसीजंस हैं रशिया के लिए, वो चॉइस नहीं है बल्कि नेसेसिटी है। बिकॉज अगर रशिया से इंडिया नज़दीकी यहाँ रखेगा, अगर रशिया से इंडिया नज़दीकी यहाँ रखेगा, तो रशिया से नज़दीकी रखने का नुकसान क्या होगा कि उसे USA से जो है USA से जो है दूरियाँ बढ़ानी पड़ जाएंगी। तो अब देखिए इंडिया, इसके अलावा देखिए जो रशिया क्या काम कर सकता है आज के इस दौर में, रशिया एक मीडिएटर का काम कर सकता है जब इंडिया और चाइना के बीच में जो है कंटेंशंस, मतलब जो इश्यूज़ हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं गलवान वैली में इश्यूज़ हो रहे हैं, तो कभी ऊपर अक्साई चीन बॉर्डर के आसपास जो है इंडिया के साथ इश्यूज़ जो है देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें मॉस्को बीजिंग जो है एक्सिस, वो क्रूशल रोल प्ले कर सकती है। और जब अभी रिसेंट में जो है, जब USA ने जो है चाइना से जब मतलब लॉगर हेड्स पे रख लिया, जिसे हम बोलते हैं कि चाइना को COVID-19 क्राइसिस के बाद क्रिटिसाइज करना शुरू किया, तो रशिया ने जो है उससे मोर कैलिब्रेटेड मैनर में जो है वर्क करना जो है शुरू कर दिया। और एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि जो साइनो इंडियन रिलेशन है वो किसका रिस वो है उस वो रिस्पॉन्स है US के रिलेशन का, इंडिया से बढ़ते हुए जो रिलेशन है उसका रिस्पॉन्स है। तो अब रशिया की जो है पोजिशन पहले से और आज की जो है वो पोजीशन देख लेते हैं। देखिए, डोकलाम क्राइसिस जब हुई थी 2017 में, तो उसमें रशिया के जितने भी डिप्लोमेट्स थे उसने चाइना को ब्रीफ किया था। इसके अलावा देखिए, 1962 की वॉर में जब रशिया जो है वो पर्टिकुलरली इंडिया का सपोर्टिव नहीं था, तो मॉस्को के ही, मगर जब 1971 का वॉर हुआ था तो मॉस्को जो था वो हमारे साथ था। अब देखिए, जो अभी हाल ही में गलवान वैली में हुआ है, तो मॉस्को ने जो है, यानी कि जो रशिया है उसने बहुत कैलिब्रेटेड मैनर में जो है वो वर्क किया है। मतलब कैलिब्रेटेड मैनर में कैसे, कि उसने ना तो इंडिया के पक्ष में बोला है ना ही रशिया के पक्ष में, पर कंसर्न इसमें जो है क्लैश के लिए जो है वो रेज किए गए हैं किसके द्वारा, इंडिया और चाइना के बीच में जो कंटेंशन हो रहे हैं उसके लिए। तो आइए आगे जानते हैं। अब देखिए, जो साइनो इंडियन रिलेशनशिप है US टाइज के लिए, तो वो क्या है? जब साइनो इंडिया साइनो रशियन रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं, अगर पीछे जाकर देखें तो माओ जेडोंग ने जब PRC यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को फाउंड किया था, तो मॉस्को जो था वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं था। और 1949 में जो है सोवियत जो लीडर्स हैं उन्होंने लगभग एक हफ्ते तक उन्हें रुकने के लिए बोल दिया था, बट
देखिए, जब कोल्ड वॉर के बाद जो है, जैसा आपको पता होगा, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है और रशिया जो है वो आ जाता है। तो रशिया के आने के बाद जो है, क्योंकि रशिया जो है यूएसए का राइवल था और चाइना भी जो है यूएसए का राइवल था, तो दोनों जो है आपस में क्लोज आ जाते हैं। और इनके बीच की जो एनिमिटी होती है वो माओ जेडोंग के मरने के बाद जो है 1976 में, जो अब सोवियत यूनियन का पतन हो जाता है, तो उसके बाद जो है ये लोग आपस में क्लोज आने लग जाते हैं। अब इंडिया और रशिया की अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप हमेशा से मधुर रहे हैं। और जो है जब जब भी स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर की जब हम बात करते हैं, तो हमारा जो डिफेंस बास्केट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में जो है वो काम करता है। इंडिया ने जो है हाल ही में जो है नए परचेसेस शुरू किए हैं दूसरी कंट्री से, बट आज भी जो हमारा 60 से 70% सप्लाई है डिफेंस की, वो रशिया से आती है। और हमारा जो सबसे रिलायबल पार्टनर है वो भी रशिया ही है। और इनफॉर्मल समिट भी नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है जी और पुतिन के साथ जो है की गए हैं लगातार। तो आज का जो पिछला अभी तक हमने डिस्कस किया, उससे आपको एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं हम, कि इन परस्यूट ऑफ द स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ यूएस, इंडिया हैज़ कॉम्प्रोमाइज इट्स टाइज विथ रशिया, डिस्कस। तो आपको, मुझे लगता है ये आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो ये है इंडियन आर्मी अपडेट के ऊपर, जो कवर करता है सिक्योरिटी इश्यूज आपके मेंस पेपर 3 का और वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसी एंड देयर मैंडेट्स। तो प्रीलिम्स लेवल पे अगर हम आपकी बात करें, तो ये पार्ट करेगा गलवान वैली और श्योक रिवर के बारे में, आपको पूरा डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। वहीं जब आप स्टडी करेंगे मेंस की, तो माउंटेन वेलफेयर प्रिपेडनेस ऑफ इंडिया के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, हाल ही में क्या हुआ है, जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं उनको गलवान वैली और लद्दाख रीजन में जो है इंडिया की हिंसक झड़प हुई है, जिसमें हमारे 20 जवान जो है शहीद हो गए थे लगभग। तो इससे जो है हमारे ऊपर वॉर का ख़तरा इन फ्यूचर बढ़ सकता है, क्योंकि तो अगर वायलेंट क्लैशेस ऐसे कंटिन्यू हुए, तो इससे जल्द ही ये अगर गॉड मतलब अगर जो प्रॉब्लम्स है वो डीएस्केलेट नहीं होती हैं, तो इससे भविष्य में जो है वॉर भी आ सकती है। तो अब देखिए, जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर है वो कैसे लड़ा जाता है, तो इसमें क्या होता है, टेरेन जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है। यानी कि जैसे ये ऊंचाई पे बैठा हुआ व्यक्ति है, तो ये यहाँ पर बैठ के लड़ेगा और ये नीचे लड़ेगा। जैसे कि आपको याद होगा, जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो जो टाइगर पीक थी उस पर कब्जा कर लिया था पाकिस्तानियों ने, और इंडिया वाले लड़ रहे थे यहाँ से। तो इसमें बोफोर्स हमें फायर करनी पड़ी थी, जो पैराबोलिक सिचुएशन में जो है अटैक करती थी। इस वजह से हमें ये जीतने में जो है ज़्यादा समय लग गया था। तो हमें आगे बढ़ते हुए ये चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखिए, इसमें ट्रेनिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और भी बहुत सी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब इंडिया कैसा इक्विप्ड है इस वॉरफेयर के लिए, देखिए इंडिया जो है इसका हब माना जाता है। जो स्किल्स माउंटेन उसकी हैं, मतलब माउंटेन वॉरफेयर की जो स्किल्स हैं, उसके लिए जो है इंडिया हब माना जाता है। माउंटेन को काट काट के जो है वॉरफेयर करना, ये इंडिया का जो है मेजर वो है।